चोरी करके घर पे, तो घर पे चोरी करने की जगह है क्या भैंस की? अरे तो भैंस ने चोरी कर ले, चीज खाली है पकड़। हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और गाइज आज है संडे, तो हम निकल चुके हैं अपनी सिस्टर को उसके ससुराल छोड़ने, तो अभी रास्ते में ही है, घर से निकल चुके हैं। थोड़ा लेट हो गया अभी, यहाँ तक हमें पहुँच जाना चाहिए था। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं मतलब। तो सभी के लिए मेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। अभी यहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, और हम आपको सारा कुछ इस ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग। पूरा ही बुरा सिस्टम है, देखो साइड में देखो पूरा वैसा है, और रास्ता कितना बेकार है बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ का रोड बनाया नहीं, बहुत डेंजर। और साइड में देखो बम्बा है, पीछे तो गाड़ी भूत बन गई होगी हमारी। तो गाइस गाड़ी को लग रही है भूख, अब इसकी भूख मिटाते हैं, इसमें गैस डलाते हैं, बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। आ जाओ बाहर, खाली करो गाड़ी मुख। पहुंच चुके हैं खुर्जा, अब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है बस। ये पंप है खुर्जा की, बिट्टू चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी मंजिल का कुछ पता नहीं है, अभी 1 घंटा और दिखा रहा है अभी यहाँ से। सुबह जब निकले थे ना तो घर से, उस टाइम लग रही थी ठंड, अब यहाँ लग रही है गर्मी। देखो शीशे भी खोल दिए गाड़ी के, थोड़े थोड़े से हवा जिससे पास होती जाए। अब कहीं रोकते हैं गाड़ी वगैरह, थोड़ा सा भूख वगैरह लग रही है, तो नाश्ता वगैरह करके फिर आगे के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। बट अपने दिल्ली NCR में पॉल्यूशन ज़्यादा, यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं है, क्लीन है पूरा रास्ता। आज पहुँच चुके हैं अलीगढ़ क्षेत्र के, अलीगढ़ के मतलब एरिया पड़ती है, यहाँ पर पड़ता है गंगेरी चौराया। तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पर मार्केट तो ठीक ठाक है लेकिन कुछ खास दिख नहीं रहा, तो टिक्की वगैरह बिक रही है, तो टिक्की खाते हैं और उसका इंजॉय करते हैं। और वाली टिक्की खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। नाश्ता कर लिया अपने टिक्की का, टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में। उसके बाद सिस्टर के घर पे देने के लिए लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह ले ली, अब आगे की तरफ चल दिया। यहाँ से मुश्किल से मुझे लग रहा है 30 किलोमीटर और बचा होगा रास्ता, क्योंकि हमने काफ़ी कवर कर लिया है। और देखो साइड में कितने प्यारे प्यारे खेत हैं। अरे मेरे पास ज़्यादा देर बर्दाश्त ना होती, सही बताऊँ तो मैं क्लियर बताऊँ तो कुछ पल ना लगे साथ। बार बार मैंने की मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल एज पर तुम्हारी पे कंट्रोल हुई है, मैंने हो गई कंट्रोल, अब गर्म खून है बढ़िया ना, उधर देखो गर्म खून ठंडा ना ना देख लो, मैं इधर देख तो ले, अरे क्या हाथ पे मत कर, देखो इधर देख ले, का देख ले मैं मुस्कुरा तो दो, अरे हट जा, ऐसे करो ऐसे ये हमारे नाना जी ने लठ उठाया, तो हमारे अपने इन पे लठ मारने के लिए नाम रख लो, हम खड़ी रहे सीधी हट जा छोड़ो अब नहीं रहे भाई। तो गाइस जी हमारे मामा जी हैं जो बाबा बन चुके हैं, अजय मामा कहाँ हैं? कहाँ पे? नाना चाय पी रहे हो? चाय पी रहे हो? हम बस पी ले चाय। चाय पी रहे थे गुजरी? कुछ कह रहे थे? ना बा, ये हमारे नाना हैं जो रील नाना हैं, उनसे छोटे वाले। तो आइए। हाँ। जी देते हैं जी, लारो वारो अरे नाना जाइए जा रहा हूँ, सोनी का पेपर है तो ये बड़ा वाला नोट दे दो ना, सोनी का पेपर चलो ले, चीज खाली है पकड़।
ना भाई तेरे पांच छूलू। और पहलवान है कि तेरी पढ़ाई है पूरी? कब से सो रही है तू? पढ़ाई पूरी है ना भाई तेरी भी? अभी क्या है? नाम शहर है चीन का सुंदर है और भीम से नर है। पांच को सोरू अमृतों का घर है। ये क्या बदतमीज़ है, भैंस कहाँ ले जा रहे हो इसे? मैं चोरी करके ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो चोरी करके? घर पे। तो घर पे चोरी करने की जगह है क्या भैंस की? अरे तो भैंस में चोरी करूंगा। तो भैंस को ऐसे मारा जाता है क्या? पता है ये भी एक प्राणी है। प्राणी है कोई बात नहीं। भाग जाएगी। अरे भागेंगे जा, भांजन के हाथ में तो भाग जाएगी। भेज दे भाई पल्ला में। दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ मैं हाँ। आगे पर जो पुल है ना, मैं आपको एक नजरी का पुल दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश कासगंज में पड़ता है। और देखो नीचे खेती हो रही है और इस साइड देखो पानी पानी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ है। देखो ले रहेगा नहीं फोन वोन वैसे? गाड़ी कहाँ खड़ी करती? सही खड़ी है। पानी ज़्यादा तो है ना वो इसमें वैसे? तो आज अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। नाना जी से भी मिल लिए। नाना जी का आपने देखा था किस तरीके से नाना मेरे में पिटाई कर रहे थे, क्योंकि नाना तो देखो पिटाई करते हैं अपने बच्चों की। हम तो उनके लिए बच्चे ही हैं। यही कटा है देखो रहा उसका घर। यहाँ सीधे से चलना, अगले फ्लाईओवर से राइट लेना है। तो नाना जी ने देखो किस तरीके से मेरे कान पे मारा, तो अभी भी मेरे ना सुन ऐसे ऐसे लग रहा है सुन सी आवाज आ रही है। ऐसे मारा उन्होंने, उनको आइडिया ना मारने का। और बाकी अब अपने नई जगह के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश में ना अंदर साइड में आओगे तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने नोएडा वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ पर पॉल्यूशन की जगह कोहरा है। कोहरा जो होता है ना, फॉग होता है। चुके हैं मंडी में जहाँ अनाज मंडी है। यहाँ पर अपने छोटा वाला साले मिलेंगे और उनसे मिलते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो दोस्तों अभी निकल लेंगे, नहीं तो फिर सुबह निकलेंगे। हाँ सीधे वहाँ हो रहा ना, हाँ वहाँ लगा दे बोरी दुकान बोरी ना, उस साइड लगा दे गाड़ी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब धूल मिट्टी है। देखो अनाज ही अनाज है तो चारों तरफ किसानों का। धूल बहुत उड़ रही है यहाँ पे। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।